मुझको नहीं किया, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। अब आप ही बताइए सक्सेना जी, एक गरीब बेरोजगार आदमी उस पर इतना बड़ा इल्जाम है तो करनी, मुझे मदद तो करनी पड़ेगी ना। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत 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 अच्छी सोच है आपकी, मैं तारीफ करता हूँ आपकी, बहुत अच्छी सोच। वैसे जरा आप इस बात पर रोशनी डालेंगे कि विभूति भैया की आपके बारे में क्या सोच है? सोच है उनकी, सोच ये है कि वो आपके बारे में ये कहते हैं कि आप बहुत ही बड़े वाहियात डॉक्टर हैं, डॉक्टरी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप मरीजों को, लोगों को उल्लू बनाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सक्सेना जी, विभूति भैया की ये राय मेरे बारे में? जी हाँ, विभूति भैया आगे ये फरमाते हैं कि ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टरी के नाम पर वो बदनामदार है जिसको कि दुनिया के किसी भी वॉशिंग पाउडर से धोया नहीं जा सकता। ऐसा भी कहा? जी हाँ, ऐसा ही नहीं, विभूति भैया ने वैसा भी काफी कुछ कहा आपके बारे में। वैसा क्या कहा? वैसा ये कि विभूति भैया ने कहा कि ये डॉक्टर एक नंबर का, बहुत ही घटिया गाली दी उन्होंने आपको। सक्सेना जी, विभूति तो बहुत बड़ा घटिया आदमी निकला, पीछे कुछ और, मुंह पे कुछ और। आप देखिएगा, मैं इसे बख्शूंगा नहीं, अब मैं इसकी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा, इसको बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, आप देखिएगा। इसी लायक है। विभूति नारायण मिश्रा, पिछले दो घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर अब आएगा, तब आएगा, अब आएगा, लेकिन उसका न कोई पता है न पता है। हम अकेले जाए तो बेफालतू के चक्कर में, पहले हमें डॉक्टर की जरूरत ना डॉक्टर की जरूरत, हमें आप इस पर